खबर यूपी के चंदौली जनपद के कलेक्ट्रेट से है, जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हुए कातिलाना हमले को लेकर जन अधिकार पार्टी व AIIMIM के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं जिलाध्यक्ष हाजी शेख इलियास ने कहा कि ऐसा कायराना हमला करना निंदनीय है। घटना में शामिल सभी हमलावरों एवं साजिशकर्ताओं का खुलासा हो एवं घटना में शामिल सभी अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कहा कि घटना में शामिल सभी हमलावरों एवं षड्यंत्रकारियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत कार्रवाई की जाए। वहीं पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी के भविष्य में चुनावी सभा के दौरान सभा स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजार करने की मांग की। मैं पर्चे बताएं जी, मेरा नाम हाजी शेख इलियास है और मैं ऑल इंडिया मजलिस मुस्लिमीन का जिला अध्यक्ष हूँ। आप लोग कलेक्ट्रेट पर आए हैं, क्या है कलेक्ट्रेट में आने का मतलब? ये है, कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं उनकी सुरक्षा के लिए, ताकि वो अभी पूरे ज़िले में इनका दौरा है, ताकि आगे कोई ख़तरा ना हो, इसलिए हम लोग उनकी सुरक्षा की मांग करने आए हैं। और आगे जो भी इस तरह का कांड कर रहा है, बहुत ही गलत हरकत है ये, किसी भी राजनीतिक लोग के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अपनी मानसिकता को जाहिर करने के लिए वो लोग ऐसा हरकत कर रहे हैं। हम सरकार से ये भी गुजारिश करते हैं कि जो भी इस तरीके की हरकत में शामिल है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारे सरकार से ये आप निवेदन है। किसको पत्रक दिए हैं आप यहाँ? हमने आज यहाँ पे DM साहब को पत्रक मैं देने आया था, लेकिन DM साहब किसी कारण से नहीं मिले, तो हमने SDM साहब को यहाँ पत्रक दिया। अपना परिचय बताएं। डॉक्टर सुनील मौर्य, जिलाध्यक्ष जन अधिकार पार्टी चंदौली। कलेक्ट्रेट पे आए हैं, क्या है मामला? कलेक्ट्रेट पे आने का मामला ये है कि कल माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है, हमारे जन अधिकार पार्टी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा अभी जो बनाया गया है उसमें घटक दल में माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी और माननीय वामन मेश्राम साहब, सब लोगों की तरफ से यह निर्देश आया है कि यह जो कल उनके साथ जो घटना हुई है, इस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति न हो और जो लोग इस घटना में शामिल हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और इस तरीके से लोकतंत्र को दबाने के लिए लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, इस तरीके से जब बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोगों के साथ इस तरह की घटनाएँ होंगी तो आम आदमी का क्या हाल होगा। तो इस तरीके से दहशत फैलाने की जो कोशिश की जा रही है, इसको बंद की जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पूरे उत्तर प्रदेश में सभी 403 विधानसभाओं में आज पत्रक दिया गया है और यह पत्रक महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम से दिया गया है।